वैसे देखा जाए तो यूएई में इतना गर्म हो रहा है और दुबई में भी कि हमारा बाहर निकलने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा, हमें ड्रैगन मार्ट में एक काम था तो हमने सोचा चलो बच्चों के साथ आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन क्या आउटिंग होगी, यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी है और इतना क्लाइमेट यहाँ का ह्यूमिड है कि मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा अगर आप बाहर घूमोगे तो आपके हाथ में से ही लिटरली पसीना या पानी आ रहा है, पता नहीं चलेगा। तो आप सोच रहे होगे ना कि मैंने ड्रैगन मार्ट का कह के आपको पैन होम कैसे लेके आए। रास्ते में मुझे याद आ गया कि मुझे पैन होम जाना है और वहाँ पर ऑफ़र भी है, डील चल रही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यहीं आ जाते हैं पहले, बाद में ड्रैगन मार्ट जाएंगे। तो आयत की फ्रेम्स वगैरह तो मैंने यहीं से एक ली थी, वो मैं आपको बताऊँगी, मेरे बेडरूम में लगी हुई है। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील लगी हुई है, मुझे तो कुछ लेना नहीं था, जो चीज़ लेनी थी मीन्स वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में मैंने क्या लिया है। फिलहाल आप इंटीरियर के आइडियाज़ ले सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बेडरूम्स के इंटीरियर्स किए रहते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। आप खुद अपने बेडरूम है, लिविंग एरिया है, आप डेकोरेट कर सकते हो, इंटीरियर कर सकते हो। ये टी ट्रॉली आप देख रहे हो मेरे घर में है, लिविंग एरिया में रखी हुई, मैंने तो 200 AED में ली थी, अभी 295 चल रहा है इसका, वो टाइम पे काफ़ी सस्ती मिली थी मुझे ये। तो आपको बता दूं कि मेरे घर का जो इंटीरियर हमने किया है वो ज़्यादातर चीज़ें मैंने पैन होम से ही लिए, हालांकि यहाँ अलबर्शा में बाजू में डेन्यूब भी है, डेन्यूब होम भी है, पर मैं पैन होम प्रिफर्ड करती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती है, प्लस क्वालिटी भी रहती है और प्लस वैरायटी भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है जो कि डेन्यूब होम में आपको नहीं देखने मिलेगी। मैं लेने तो एक चीज़ आती हूँ पर मैं दो चार चीज़ पसंद करके ले ही लेती हूँ, तो मैं यहाँ वाटर डिस्पेंसर लेने के लिए आई थी और फिर बाद में मुझे क्रॉकरीज अच्छी लग जाती है, कभी होम अप्लायंसेस में कुछ चीज़ एक्सेसरीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं वो भी ले लेती हूँ अगर मेरे रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिलती है तो, कॉस्टली कोई भी चीज़ नहीं उठाती हूँ मैं। यहाँ पर इन्होंने बेडरूम्स और लिविंग एरियाज़ के काफ़ी अच्छे अच्छे सेट्स बना कर रखे, तो आप यहाँ से आइडियाज़ लेकर अपने बेडरूम लिविंग एरिया को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, इंटीरियर कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ सिल्वर की थीम है, वैसे इनकी अलग अलग थीम होती है, यहाँ पर ब्लैक एंड गोल्डन की थीम है, फिर उसके बाद ग्रीन की थीम भी है इनके पास, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सारी चीज़ें रखी हुई। ऐसे लग रहा है कि अगर हम सारी चीज़ें हमारे बेडरूम में रखेंगे तो हमारा बेडरूम भी कितना खूबसूरत लगेगा। वैसे मेरा बेडरूम तो खूबसूरत लगता ही है क्योंकि मैंने ब्लैक और गोल्डन की थीम रखी है, थोड़ी बहुत ऐसी सिमिलर रखी है, इतने हाई फाई डेकोरेटिव आर्टिकल्स नहीं रखे हैं मैंने, एक्सेसरीज नहीं रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने होम टूर की पूरी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अपने होम टूर की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो थीम अच्छी लगी ना आपको पैन होम की, तो आपको आइडियाज भी मिला इंटीरियर का, ऐसा बताएगा वो ऐसा करके मिलाएगा सब चीज़, वो बोल रहा था इसके ऊपर लगाने का ना उसका अलग से। तो पैन होम के बाद हम गए थे डेन्यूब, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यार इतनी गर्मी में ये बंदा मुझे देखो घुमा। सो वी आर एट डेन्यूब होम्स, मम्मी की फेवरेट जगह। उफ बाप रे, खामखा चला के। सो साजिद भड़क चुका है कि बैग ले लो। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी थी और ड्रैगन मार्ट जाने का कैंसिल कर दिया, हमारे मियाँ को लगी थी काफ़ी भूख तो हम लोग हार्डीज आ गए, एक एक करके सबने अपना ऑर्डर्स दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिए, ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी और आपसे शेयर करूंगी कि मैंने डेन्यूब होम से और पैन होम से क्या क्या खरीदा है, जिसमें से एक आइटम ये भी है।